तो अब तक हमने ये देखा है कि मेटेलर्जी में टोटल तीन स्टेप्स होते हैं पहला स्टेप है कंसंट्रेशन दूसरा स्टेप है एक्सट्रैक्शन और तीसरा स्टेप है रिफाइनिंग चलिए अब हम इसमें पहला स्टेप देखते हैं जो कि है कंसंट्रेशन ऑफ ओर किसी भी ओर का कंसंट्रेशन करना मतलब उसमें से अनवांटेड पार्टिकल्स का निकालना है यहां पे हम कंसंट्रेशन के चार मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे हाइड्रोलिक वॉशिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन फ्रॉथ फ्लोटेशन और लीचिंग आइए सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग क्या होती है हाइड्रोलिक वॉशिंग ये प्रोसेस आपका बेस्ड है मिनरल और गैंग के स्पेसिफिक ग्रेविटी के डिफरेंस के ऊपर आइए इसको हम एक वीडियो की मदद से समझते हैं तो यहाँ पे हमें जो ये हाइड्रोलिक मशीन दिख रही है इसमें हमें ऊपर में एक बेल्ट दिख रहा है जिसके अंदर एक ग्रूव है और यहाँ पे आपको जो ये टैब दिख रहा है ये वाटर का इनलेट है यहाँ पे ऊपर से हमारा ओर पाउडर्ड फॉर्म में फीड में आता है अब क्योंकि ओर की स्पेसिफिक ग्रेविटी हाई है तो वो इस ग्रूव में जाके फंस जाते हैं और इम्प्योरिटीज की स्पेसिफिक ग्रेविटी लो है तो वो पानी के साथ बह के आगे बकेट में गिर जाते हैं तो इस तरीके से हमारे हाइड्रोलिक वॉशिंग में ओर और, और गैंग पार्टिकल्स का सेपरेशन होता है अब हम नेक्स्ट देखते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन को मैग्नेटिक सेपरेशन जैसा कि नाम सजेस्ट करता है ये यहाँ पे ओर और, और गैंग पार्टिकल्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के डिफरेंस को एक्सप्लॉइट करती है इसको भी हम एक वीडियो की मदद से समझते हैं यहाँ पे हमारे पास एक मैग्नेटिक सेपरेटर है इस सेपरेटर के ऊपर दो रोलर लगे हैं एक आपका मैग्नेटिक है और एक आपका नॉन मैग्नेटिक है यहाँ पे ऊपर से आपका पाउडर और इस बेल्ट पे आता है और जैसे जैसे ये पाउडर और आगे जा रहा है आपका ये मैग्नेटिक रोलर से चिपक के इसमें मैग्नेटिक कॉम्पोनेंट इस वाले बकेट में सेपरेट आउट हो जाता है और जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स है वो आगे वाले बकेट में जाके गिर जाते हैं तो इस तरीके से हमारा मैग्नेटिक सेपरेशन होता है चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रॉड फ्लोटेशन ये प्रोसेस आपका ओर और, और गैंग पार्टिकल्स के डिफरेंस इन वेटेबिलिटी को यूज करता है ये प्रोसेस पढ़ने से पहले हमको इसके रिलेटेड कुछ टर्म्स जान लेने चाहिए सबसे पहला है कलेक्टर कलेक्टर ऐसे कंपाउंड्स है जो ओर या गैंग पार्टिकल्स के सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं और उनकी नॉन वेटेबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं कलेक्टर्स के एग्जाम्पल है पाइन ऑयल जैन फैटी एसिड्स नेक्स्ट आपके कंपाउंड्स है फ्रॉथ स्टेबलाइज़र्स। ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो हमारी फ्रॉथ को स्टेबलाइज करते हैं इनके एग्जाम्पल है एनलिन क्रिसोल एसेट्रा आइए अब हम फ्रॉद फ्लोटेशन इस डायग्राम की मदद से समझते हैं तो इस डायग्राम में हमारे पाउडर्ड ओर का एक सल्यूशन है स्टरर होता है और इसमें हम कलेक्टर्स और फ्रॉथर्स को भी डालते हैं कलेक्टर्स ओर को प्रेफरेंशियली नॉन वेटेबल करते हैं और फ्रॉथर्स हमारे फ्रॉथ बनाने में हेल्प करते हैं इनके साथ साथ हम फ्रॉथ स्टेबलाइजर्स को भी डालते हैं ताकि जो हमारा फ्रॉथ है उसको वो स्टेबलाइज कर सके अब क्योंकि सल्यूशन में हमने कलेक्टर भी डाला है तो कलेक्टर जाके हमारे मिनरल पे एडज़ॉर्ब हो गए हैं और इस एडज़ॉर्बशन की वजह से उनकी नॉन वेटेबिलिटी इंक्रीज़ हो गई है तो ये जो नॉन वेटेबल मिनरल है हमारा ये हमारा फ्रॉथर्स की मदद से ऊपर फ्रॉथ में आ जाता है और इस फ्रॉथ में आने के बाद उसको हम से सेपरेट कर लेते हैं जो हमारी इम्प्योरिटी है वो हमारा सोल्यूशन के अंदर ही रह जाती है अब हमें पता है फ्रॉद फ्लोटेशन जनरली हम सल्फाइड ओर्स के लिए यूज़ करते हैं अब कई बार ऐसा होता है कि हमारे एक ही ओर में दो सल्फाइड ओर के कॉम्पोनेंट्स है तो उनको सेपरेट आउट करने के लिए हम डिप्रेसेंट का यूज करते हैं डिप्रेसेंट ऐसे कंपाउंड है जो प्रिफ्रेंशियबली एक कंपाउंड के ऊपर जाके एड्जॉर्ब होते हैं ताकि उनकी एक्टिविटी को वो कम कर सके फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास एक मिक्सचर है जिंक सल्फाइड और लेड सल्फाइड का तो इसमें हम सोडियम साइनाइड को एज ए डिप्रेसेंट यूज़ करते हैं सोडियम साइनाइड जिंक के साथ रिएक्ट करके सोडियम टेट्रासाइनो जिंकेट को बना देते हैं जो कि वाटर सल्यूबल हो जाता है क्योंकि जिंक सल्फाइड आपका सल्यूशन में सल्यूबल है तो अब आपका लेड सल्फ़ाइड आप फ्रॉथ में जाता है जिसको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं हमारा लास्ट कंसेंट्रेशन का मेथड है लीचिंग लीचिंग इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि एक और किसी सुटेबल सॉल्वेंट में सल्यूबल है चलिए इसको अब हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं मान लीजिए हमको एलुमिना का लीचिंग करना है बॉक्साइट में से तो हम बॉक्साइट का एक सल्यूशन बनाते हैं और उसके अंदर कंसनट्रेटेड एन को डाल देते हैं इस सॉल्यूशन को फिर हम हीट करते हैं 473 से 523 केल्विन तक और इसको हीट करने के बाद में ये हमें सोडियम एल्यूमिनेट बना देता है इस सोडियम एल्यूमिनेट में से हम सीओ टू को पास कराते हैं जैसे ही हम सीओ टू को पास कराते हैं तो यहाँ पे हमारा एल्यूमिना प्रसिपिटेट हो जाता है और इस प्रसिपिटेट को हम सेपरेट करके ड्राई करके हीट कर देते हैं जिससे हमें सिर्फ एल्यूमिना मिल जाता है तो इस तरीके से हम एल्यूमिना को लीच करते हैं बॉक्साइट में से चलिए अब हम इसका और एक एग्जाम्पल देखते हैं गोल्ड और सिल्वर को भी हम लीचिंग की मदद से कंसंट्रेट करते हैं तो गोल्ड या सिल्वर को इम्प्योरिटी के साथ में हम सोडियम साइनाइड में डालते हैं जिसमें वो सिल्वर साइनाइड के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना देता है इस कॉम्प्लेक्स में फिर हम जिंक को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो जिंक सिल्वर को रिप्लेस करके खुद साइनाइड के साथ एक कॉम्प्लेक्स को बना देता है और गोल्ड और सिल्वर हमें ऊपर प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिल जाता है